इसमें अगर आपको डाउट्स आएंगे दैट विल बी बेस्ट, क्योंकि अभी आप एक तरीके से पूरा प्रोजेक्ट करके सबमिट कर रहे हो, आप देखो कि आपका लेवल कहाँ जा रहा है, आप एक तरीके से प्रोजेक्ट पा रहे हो, और भी सारे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट है, कोई ये नहीं कि अपने से बना दिया गया प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव है वो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर लर्निंग। चलो देखते हैं कितना एरर आया, कितना वार्निंग है, और उससे कभी घबराना मत, ठीक है? मेरे स्टूडेंट कभी भी घबराएंगे नहीं कि क्या एरर आया, क्या देखते हैं सुदीप ने क्या किया है, सब ने क्या किया है। तो पहले सुदीप का ही दिख रहा है, तो सुदीप से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये बंदा भी काफी डेडिकेटेड बंदा है, और डेफिनेटली ऊपर वाला चाहा तो काफी अच्छा ग्रोथ करेगा अपने करियर में। ओके, स्ट्रक्चर्स इन्होंने किया हुआ है, एनालिसिस किया है, मैं यहीं से देखना स्टार्ट करूंगा। ओके, क्योंकि मेन है लोड, अगर वो सही लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, और वार्निंग्स और एरर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट है तो वार्निंग्स और एरर तो आना चाहिए, ठीक है? ये क्या, ये क्या, ये क्या, गुड। और लोड है, ये क्या, डेड लोड लगाया, वेरी गुड। ओके, लाइव लोड लगाया, ग्रेट, और उसके बाद अर्थक्वेक लगा दिया, बेस्ट। एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद मुझे पता है कि बहुत ढेर टाइम लगाता है, क्योंकि अगर सीरो लगा हुआ है तो आप एनालिसिस करोगे तो लॉन्ग टाइम लगता है, सो आई प्रीफर कि आपका रिपोर्ट देख लो डायरेक्ट। शायद तुमने आरसीडीसी से निकाला होगा जहां तक, वही डाउनलोड हो जाए। ओके, फुटिंग किया है, जी ड्राइंग किया हुआ है, बीम लेआउट किया हुआ है, प्लिंथ, वेरी गुड। आज मैं इसका आपको थंब रूल पढ़ाने वाला हूँ कि प्लिंथ का साइज डेप्थ कितना लेना है, या फिर बीम का लेआउट का डेप्थ कितना लेना है बीम का, तो इसको भी आपको और आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ मैंने कितना सही किया, मैंने कितना गलत किया। वैसे किया तो तुमने एकदम परफेक्ट है, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, और क्या बोलते हैं, फिर भी और आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये मिस्टेक्स हमसे हो रही थी कि डेप्थ कितना ले, कन्फ्यूजन हो रहा था। अरे वाह, इसने खुद से बनाया यार, वेरी गुड। अब आप देखिए कि एक तरीके से ये पूरा जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए डेडिकेटेड पर्सन हो गया सुदीप, क्योंकि इसने प्रॉपर प्रोफेशनली ड्राइंग बनाया है, प्रोफेशनली ड्राइंग को सबमिट किया है, तो अब इसको ये कह सकते हो आप कि पूरी तरीके से रेडी है एक जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफाइल पर काम करने के लिए। ग्रेट, वेरी नाइस। ये शायद आरसीडीसी लिया क्या? फिलहाल परफेक्ट लिया हुआ है, एकदम सही किया हुआ है फुटिंग लेआउट। अब देखते हैं इसने जीयर वाइन कैसा बनाया हुआ है। तो यही आपको एक एक चीज करके परफेक्ट बनाता चला जाएगा। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया, फुटिंग भी किया हुआ है प्रॉपर, टॉप और बॉटम दोनों में रेनफोर्समेंट दिया है, सही है। कुछ जगहों पे याद रखना, कुछ जगहों पे लोग बॉटम में केवल देना प्रीफर करते हैं, बाकी आपका टॉप में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है सिर्फ बॉटम। प्लिंथ का देखते हैं कैसे किया इसने। इन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं, फाउंडेशन में फुटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक बार देखना सर एक बार, और आरसीडीसी में कुड नॉट फेल है, तो दो कॉलम फाइल डिलीट हो जा रहा है, मैं खुद से ही एक बार देखना मेरी फाइल। ओके चलेगा, अभी देखते हैं, सबका ही नंबर आएगा, आराम से रिलैक्स होके अपना टाइम लो, क्योंकि ये आपको डिसाइड कर रहा है कि आपका लेवल क्या रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट आप करके दे रहे हो, यही प्रोजेक्ट आपको डिसाइड कर रहा है कि आप एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या बनने वाले हो, ठीक है? आप परफेक्ट कर रहे हो दैट मीन्स आप परफेक्ट जा रहे हो, परफेक्ट नहीं कर रहे हो मतलब अभी आपका जो पैसा लग रहा है वो लॉस में है, प्लस टाइम जो लग रहा है वो भी लॉस में है। बट ये जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, अब सुदीप कहीं से भी लॉस में नहीं है, इवन ये डबल बेनिफिट में है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया हुआ है। बाकी कुछ लोग हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हुए, जो रेगुलर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेगुलर नहीं है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और उनका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, देखो मतलब ग्रेट, ठीक है?
एज ए फ्रेशर इन्होंने बहुत बड़ा हार्डवर्क किया हुआ है, तब जाके इन्होंने सब सेट करके प्रिंट करके एक साथ दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, नाइस, ग्रेट, एकदम परफेक्ट बनाया है तुमने सुदीप, बहुत बढ़िया, बधाई हो, तुमने काफी बेहतरीन किया है। अब आशीष का देखते हैं। ठीक है, कॉलम दिया, बीम दिया, इसको दिया, लोड दिया, उसके बाद डेट लोड, बहुत बढ़िया, सेल वेट दिया है, ओके, ब्रिक का लोड दिया है, ये दिया है, ओके, ग्रेट, एनालिसिस इसका, अच्छा शेयर वाले इसमें नहीं लगाया है, ठीक है। सुदीप तुमने शेयर वॉल में कोई वार्निंग तो नहीं आया था तुम्हारे शेयर वॉल में, या फिर जो आया तुमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं इनका शेयर वॉल में प्रॉब्लम आया। शेयर वॉल में कभी भी जब फ्लोर सेम नहीं रहेंगे तो फिर वार्निंग्स देगा, फ्लोर इन द सेंस कि अगर जैसे कि तुम नीचे लगाओगे तो वार्निंग्स आएगी, ऊपर लगाओगे तो वार्निंग्स नहीं आएगी। हाँ सुदीप, सर मैंने तो डिजाइन नहीं किया, एनालिसिस तक कोई वार्निंग नहीं आया। उसके बाद डिजाइन कैसे किया फिर? डिजाइन आप तो कातापारा प्रोजेक्ट का नहीं किया, अच्छा एनालिसिस तब किया, आपको भेजा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। चलो ओके ओके, चलो इसने डन किया, और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट निकाला, कंक्रीट डिजाइन, सब कुछ परफेक्ट किया हुआ है, 1.8% स्टील लग रहा है, वो भी सही है। यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, शेयर वॉल में अगर तुम्हें वार्निंग आ रही है आशीष, तो नीचे वाले फ्लोर में शेयर वॉल मत डालना। अगर नीचे वाले फ्लोर में शेयर वॉल डालोगे, एक बार मैंने भी ऐसे गलती कर दी थी इस प्रोजेक्ट में, तो नीचे वाले फ्लोर में डालोगे तो कभी भी वो नहीं लेगा, तो इसलिए बेटर है ऊपर ही पूरा डालो और उसी के डिजाइन को नीचे कंटिन्यू कर देना, ठीक है? कभी भी नहीं, क्योंकि उसको शेयर वॉल को क्या लगता है कि हमें सेम लेंथ सब पे मिले, और वो कि यहाँ पर जो कि नीचे थोड़ा सा जाना पड़ता है वो उसमें मत देना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर यहां से लगाओगे, नहीं लगाओगे तो यहां से लगाओ ऊपर तक पूरा परफेक्ट जाएगा, बाकी तुमने डिजाइन एकदम परफेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारी दूसरी फाइल में क्या हाल है, और ये तुम्हारी शायद तीसरी फाइल है जिसमें प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आ रही है। ओके वेरी नाइस, G+3 प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर कंबाइंड फुटिंग कर दिया, वेरी गुड, यहाँ पर आइसोलेटेड कर दिया, ये भी बहुत अच्छा है, कॉलम की भी ड्राइंग दे दिया, नाइस गुड, और इसके बाद यहाँ पर तुमने स्लैब की भी ड्राइंग दे दिया, और यहाँ पर स्टेयरकेस का दे दिया, और नाउ इट्स डन विथ बीम्स ऑल्सो। ओके, RCDC से निकाल लिया तुमने बीम का, और वहां से उसका निकाल लिया, ठीक है, नॉट बैड। अब देखते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में फाइल में प्रॉब्लम कहाँ पे, अरे चार शेयर वॉल दे दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं वार्निंग क्या है, पहले एनालिसिस कर ले, बेटर रहेगा, नहीं पता चला है और एक वार्निंग ऐड रहेगी। हेलो, सर ये प्लिंथ बीम तो सर थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होता है ना, हाँ प्लिंथ बीम ग्राउंड ग्राउंड से से तो ऊपर, ग्राउंड से ऊपर होता है प्लिंथ बीम, मिनिमम सर, ग्राउंड इसका जो इस, हाँ बोलो बोलो बोल दो फिर मैं बता रहा सर हूँ। तो उसपे कोई लोड लेते या नहीं लेते हैं, उसपे कोई फ्लोर लोड लाइव लोड तो नहीं लेते होंगे? नहीं उस पर लोड नहीं लेते, प्लिंथ कैसे है, प्लिंथ मतलब नीचे का फ्लोर जहां से वॉल स्टार्ट होती है, ग्राउंड लेवल से मिनिमम 450 है, अगर एक नॉर्मल एरिया है जहां पर पानी वगैरह फंसता है तो 600 mm ऊपर होना चाहिए, और जनरली जो प्रैक्टिकली हम लोग लेते हैं 1 से 1.5 मीटर लेते हैं, ठीक है, 900 लॉ मतलब रूल बोलता है 900, बट 1 मीटर हम लोग लेते हैं क्योंकि लगभग 1 मीटर ही हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हारे में वार्निंग क्या आ रही है जो तुम नहीं सॉल्व कर पाए, ओ भाई
23 वार्निंग्स, चलो जब तक तुम्हारी वार्निंग आ रही है तब तक कुछ और लोगों के प्रोजेक्ट्स भी देख लिए जाए। चलो आई थिंक ये तुम्हारा ही है, क्या बोलते हैं, G+3 का दूसरा प्रोजेक्ट है। हाँ पुराना वाला है ना। हाँ सर, ये दोनों कर लिया आज। ओके वेरी गुड। चलो मतलब कल का छुट्टी, मुझे लगा कि लगता है लोगों को चाहिए तभी पूरा टास्क होगा। मैं फ्री था लेकिन मुझे ऐसा लगा कई लोग का असाइनमेंट्स नहीं आया था, चलो कर लो आज, अच्छा किया है। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत रेज हुआ है कॉन्फिडेंस? हाँ सर, बहुत हुआ हाँ है। बहुत हुआ है। तो ये चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है और क्या बोलते हैं हम लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट क्या बोलते हैं स्टैट प्रो खत्म होते होते इतना हो जाए कि कैसे भी करके भाई एक प्रोजेक्ट हम सबमिट कर ही लेंगे, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो मुझे लगता है वही 1 और मोर लाइंस का आएगा, 1x और तो नहीं आना चाहिए। लेट्स सी।